यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा झंडे वगैरह पड़े हुए हैं, तो देखते हैं, बैजेस वगैरह भी काफ़ी पड़े हुए हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या पसंद करता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं यार, फ्लैग दिखाना। ये देखें यार कितनी बड़ी साइज है, मैं खुद भी नहीं पकड़ पा रही। देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये चेक करें भाई, ये देखो कितना ढीला हो गया, मैं खुद अकेला भी नहीं पकड़ पा रही। मेरे खुले हुए बाजू में दिखा रही हूँ, ये देखें कितना बड़ा फ्लैग है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सोहैल.i व्लॉग्स। दोस्तों कैसे हो आप लोग, उम्मीद है सब खैरियत होंगे, मजे में होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों हल्की फुहार आ रही है यार, ये चेक करो, बहुत ज़्यादा जो है मज़ेदार बारिश हो रही है, और मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही, हल्की फुहार हो रही है, और हल्की फुहार में इतना मज़ा आ रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बड़ा लेवल का मज़ा आ रहा है। आहा, और यार पूरा मौसम चेक करो यार, फुल अभी बारिश चल रही है, कंटिन्यू, ये देख रहे हो, पूरे हाथ है, देखो मेरे बाजू वगैरह गीले हो गए हैं, देखो कितनी मज़ेदार बारिश हो रही है। तो भाई इस मज़ेदार बारिश में मैं जाने वाला हूँ मार्केट, यानी कि शहर जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि भाई आज है 10 अगस्त, और 14 अगस्त को आपका भाई घूमता है, फिरता है, एंजॉय करता है, और पाकिस्तान की आज़ादी में बहुत खुशी करता है। तो आज मैं जा रहा हूँ शहर, और जहाँ से मुझे लेने हैं बेजेस वगैरह लेने हैं, और हो सकता है मैं कोई विग वगैरह ले लूँ, कोई बाजा ले लूँ बजाने वाला, या फिर कोई क्या बोल रहे फ्लैग वगैरह ले लूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर स्टॉल लगे होते हैं काफ़ी ज़्यादा शहरों में इसके 14 अगस्त से पहले। तो मैं भी सोच रहा हूँ 14 अगस्त से पहले सारा सामान ले लूँ, और उसके बाद जो है फुल एंजॉय करूँगा 14 अगस्त वाले दिन। तो अभी जो है मैं यहाँ से निकलने लगा हूँ, बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है, तो यहाँ से भी जाऊँगा, और कहीं सुपरमार्केट, कहीं मॉल से, या किसी दुकान से, या किसी स्टॉल से अगर मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें मिल गई, मतलब पहनने के लिए, आज़ादी के लिए, मतलब पाकिस्तान की जो भी होती है पहनने वाली शर्ट हो, या कोई बैजेस वगैरह हो, या कोई बाजू में कुछ पहनने वाला हो, कुछ भी जो भी पसंद आया वो मिल लूँगा। तो अभी मैं निकलने लगा हूँ, और इस व्लॉग को यहाँ से कर देता हूँ स्टार्ट। सो अभी तक आपने सोहैल.i व्लॉग्स को एंजॉय नहीं किया तो कर लो लाइक एंड सब्सक्राइब। तो भाई मैं इस व्लॉग को यहाँ से कर लेता हूँ स्टार्ट। सो वेलकम टू द न्यू व्लॉग। ये चेक करें, अभी थोड़ी बारिश हुई है, और घर पूरा गीला हो चुका है। देखिए थोड़ी सी बारिश हुई सिर्फ 5 मिनट के लिए, और सब चीज़ें गीली हो चुकी हैं। देखिए हमारा घर भी गीला हो चुका है, हमारी सीढ़ियाँ वगैरह गीली हो चुकी हैं, तो यार आराम आराम से जाना पड़ेगा, स्लिप ना हो जाऊँ। तो भाई ये चेक करें, और बारिश जो है ना अभी जा रही है, बिल्कुल तेज़ चल रही है। गाइस मैं जो है अभी बाहर आ चुका हूँ, और यार देखो यार बड़ा लेवल का मौसम लग रहा है यार, मज़ा आ रहा है। तो अभी जो है हम लोग, मैं जा रहा हूँ शहर, और मेरा एक रिश्तेदार आया हुआ है, घर पर बैठा हुआ है, तो मैं पहले जा रहा था रिश्ता वगैरह में, तो फिर जो है मेरा रिश्तेदार आ गया, तो फिर उसके साथ जो है मैं इस बाइक पर जा रहा हूँ, और वहाँ पर जो है देखेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा, मौसम भी काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे देखेंगे शहर के अंदर। पर ये सोच रहा हूँ कि बारिश हो रही है कि स्टॉल वगैरह होंगे, पता नहीं नहीं होंगे यहाँ, तो फिर मुझे किसी मॉल वगैरह पे जाना पड़ेगा। तो बस यार अभी मैं निकलता हूँ जल्दी से। तो भाई ये है हमारे सारंग शाह, हमारे प्यारे रिश्तेदार, तो भाई हमें इसके साथ जा रहा हूँ, और जो है इनको भी काम है शहर में वहाँ पर, और मुझे भी काम है, तो बस चलते हैं, अभी निकल रहे हैं, और शुक्र है कि बारिश खत्म हो चुकी है, वरना जो हम लोग गीले होते होते जाते हैं। अभी जो है मैं जा रहा हूँ बैंक की तरफ, बैंक में मुझे काम है, क्योंकि यार अभी बारिश हो रही है ना, तो स्टॉल वगैरह पूरे शहर हमने देख लिया, लेकिन कहीं पे स्टॉल नहीं लगा हुआ जहाँ पे बंदा पाकिस्तान की चीज़ें ले, झंडा ले सके, या कुछ और चीज़ ले सके, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मेरा जो रिश्तेदार मेरे साथ आया था वो अपनी बैंक में गया हुआ है पैसे लेने, और मुझे अपनी तरफ यहाँ पर एक बैंक है वहाँ पर जाना है पैसे निकालने के लिए, फिर जो है देखते हैं दूसरी जगह पे ट्राई करते हैं, हो सकता है वहाँ। तो अभी जो है सामने बैंक है, वहाँ से पैसे वैसे निकाल के, और फिर मैं वहाँ जाऊँगा अपने रिश्तेदार के, क्योंकि वहाँ पे लाइन लगी हुई थी काफ़ी, और ये दूसरा बैंक है यहाँ पे जहाँ पे मैं पैसे निकालने जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरे ख्याल से रश नहीं है, तो वहाँ से मैं पैसे निकाल के फिर जो है हम साथ में जाएंगे आगे किसी मॉल पे, या किसी सुपर मार्केट से, हो सकता है वहाँ से मिल जाए हमें। यार मुझे भी यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, वो बारी बारी से अंदर लाइन लगी हुई है, तो बस यार कोई भी अगर निकलता है तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। भाई फाइनली जो है हमारी बारी आ चुकी है, एक सेकंड यार वो ग्रीन हो जाए, अब ये ले भाई, शाबाश अंदर गया भाई। दोस्तों मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे चाय वगैरह हम लोग पी रहे हैं, यहाँ पे बातें भी कर रहे हैं, और यहाँ पे एक होटल है, यहाँ पे चाय वगैरह हम लोग पी रहे हैं, और उसके बाद में जाऊँगा थोड़ा सुपरमार्केट में, काम है मुझे, और लाल चाय वगैरह पी के, और फिर जो है
सुपर मार्केट में जाते हैं, देखते हैं क्या क्या पड़ा हुआ है वहाँ पे, और वो जो है सारी कुछ चीज़ें मैं बाय करूँगा। फिलहाल जो है मैं अपने रिश्तेदारों के साथ चाय वगैरह पी लूँ यहाँ पे। जो है यहाँ पे पहुँच चुका हूँ मैं, और यहाँ से इंशाल्लाह सारा सामान मिल जाएगा मुझे। तो भाई वाले जा रहे हैं, तो भाई वालों को मैं यहाँ से अलविदा करता हूँ, और मैं यहाँ से मार्ट से जो सामान वगैरह कैप्चर देखता हूँ कि मार्ट के अंदर कौन कौन सा सामान पड़ा है। तो ठीक है भाई, अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है भाई, इंशाल्लाह देखते हैं कौन कौन सा सामान पड़ा हुआ है। यार वो झंडे वगैरह मिल जाएंगे पाकिस्तान के, फ्लैग वगैरह ये तो पड़े हुए हैं आपके पास, तो नीचे मिलेंगे ना ऊपर उधर से। ठीक है भाई, वो बंदा कह रहा है कि वहाँ से जो है आप ऊपर जाओगे तो जो है आपको फ्लैग वगैरह का सारा सामान मिल जाएगा 14 अगस्त के हवाले से। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा झंडे वगैरह पड़े हुए हैं, तो देखते हैं बैजेस वगैरह भी काफ़ी पड़े हुए हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या पसंद करता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं यार, फ्लैग दिखाना कहाँ है बंदा अपनी बेस। काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लैग पड़े हुए हैं यहाँ से मैं ले रहा हूँ 14 अगस्त के हवाले से। दिखाना यार, थोड़ा खोल के दिखाना, साइज़ चेक करने। तो यार बेजेस भी लेने, यार स्टिकर वगैरह वाले पड़े हैं जो चिपकाने वाले होते हैं, स्टिकर जो होते हैं ना चिपकाने वाले। हाँ यार ये बहुत बड़ा है, हाँ यार इसकी साइज़ चेक करो, माशाल्लाह बहुत बड़ा है ये, इससे कम नहीं है, इससे ज़्यादा थोड़ा सा कम, छोटा हो ज़्यादा हैवी हो जाएगा यार। और ये बाजे वगैरह भी है ना आपके पास बड़े वाले? ये तो 90 है। नहीं नहीं वो जो खुलता है बड़ा वाला होता है। चलो फ्लैग दिखा दो पहले आप, यानी इससे बड़ा हो, इससे बड़ा हो, ये भी छोटा है। हाँ हाँ, तो फिर ये एक पैक कर दो यार। हाँ ये करो यार, देखें यार ये मैंने सबसे बड़ा जो है फ्लैग ये वाला भाई ने दिखाया है, साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये वाला ले लिया। और इसके अलावा बेजेस वगैरह भी लेने हैं मेरे को, वो भी लेता हूँ, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लैग लिया मैंने यहाँ से, काफ़ी बड़ा फ्लैग है, चेक करें यार। ये जो है बड़ा वाला फ्लैग मैंने यहाँ से ख़रीद लिया, बाकी यार ये पैक करवा के ना। इसके अलावा यार वो आपके पास वो हैं जो विग वगैरह होती हैं बालों में पहनने वाली, यहाँ कुछ ऐसे टोपी वगैरह हो गई, जैसे कि काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है, लेकिन ये ना ये भी चाहिए, लेकिन वो थोड़ा ना लुक बनाने के लिए ना कुछ चाहिए, कैप हो या वो विग वगैरह हो जो होते हैं ना वाइट और ग्रीन बाल करने वाली होती है जो, वो वाली क्या चीज़ है यार। इस पैकेट की क्या कीमत है? पूरा पैकेट कितने का ये? पर पीस के क्या प्राइस है? 50 रुपये। ऐसे करो कितने दोगे, 4 पीस निकाल के दो इसमें से। और इसके अलावा ये बैजेस वगैरह भी पड़े हुए हैं काफ़ी अच्छे अच्छे, यहाँ से बैजेस वगैरह भी ले लेता हूँ। चलो यार, हाँ ये वाला एक बैज भी ले लेते हैं यार, ये वाला वेट कर दो आप। और भाई ये लड़कियों के हवाले से नेल पॉलिश, नेल पॉलिश तो काम नहीं है मेरा, मुझे ना कुछ ऐसी चीज़ खरीदनी है जिसमें ज़्यादा मज़ा हो, जैसे डिस्को वगैरह है ये, इसमें ना एक सिल्वर कलर की आ जाती है, एक ये और एक ग्रीन, मतलब ये दोनों कॉम्बिनेशन हो जाएगा वाइट और ग्रीन का। और ये भी ले लेते हैं यार, दो डब्बियाँ ये भी कर लेंगे, सही है। और क्या लेना है, इसको चेक करूं, चेक कर लेते हैं। हाँ सही है, ये भी सही है, एक बाजा भी ले लेते हैं यार। काफ़ी हो गया सामान, बस यार इतने काफ़ी हैं। हाँ बस ओके हो गया, काउंट करवाते हैं क्या हिसाब काउंटर, सारा फाइनली हो गया। मैंने यहाँ से फ्लैग भी ले लिया और बेजेस वगैरह ये बाजा वगैरह ये भी ले लिया, बस काउंट करवा के सारा हिसाब करवा के और फिर यहाँ से निकलता हूँ। बाकी जो है यार गुब्बारे वगैरह हैं आपके पास, इनके जो ग्रीन वाले गुब्बारे होते हैं नीचे होंगे, नीचे होंगे, वो भी कर लें, ये भी काउंट कर लें ना। तो गाइस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यार, अरे है क्या सामान है तो कुछ भी नहीं रहा।
तो जो है ना मैं ऐश ऊपर फाड़ते हैं सारे। तो गाइस सामान तो हमने खोल लिया, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ना मुझे ये लगी, ये हमको दिखाता हूँ कि ये क्या होता है। इसमें जो है ना बड़ा मजा आता है, ये मैं कब से लेना चाह रहा था, मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया, गजब बेइज्जती है। अच्छा अच्छा ये बन भी जाता है यार, ये कोई बड़ा मसला नहीं, ये बन भी जाता है, ये देखो बन गया। सबको एडवांस 14 अगस्त मुबारक हो भाई, सबको एडवांस दे रहा हूँ, अभी मैं मुबारक नहीं दे रहा क्योंकि आज 10 अगस्त है और 14 अगस्त को जो है आपको मैं मुबारक दूंगा, ये एडवांस मुबारक दे रहा हूँ और ये एडवांस सेलिब्रेशन कर रहा हूँ मैं एडवांस में। आहा तो गाइस इसको अभी जो है फिलहाल रखते हैं और मैं आपको दूसरा सामान दिखाता हूँ क्या क्या है। तो सबसे सामान दिखाने से पहले ना मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये वाली चीज, ये देखो भाई ये इतना बड़ा फ्लैग है मेरे पास, ये चेक करें, ये गाइस इतना बड़ा फ्लैग है पाकिस्तान का मैंने लिया है और वहां पे मुझे बंदा खोल के दे रहा था लेकिन ये बहुत बड़ी साइज है, वो बंदा भी नहीं पकड़ पा रहा था। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये साइज इसकी है कितनी, यार इसको मैं अकेला नहीं पकड़ सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा फ्लैग है, बहुत बड़ा, ये चेक करें, मैं पकड़ सकता हूँ, ये देखें यार कितनी बड़ी साइज है, मैं खुद भी नहीं पकड़ पा रहा, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये चेक करें, ये चेक करें, ओए भाई ये देखो कितना ढीला हो गया, मैं खुद अकेला भी नहीं पकड़ पा रही, मेरे खुले हुए बाजू में दिखा रहा हूँ, ये देखें कितना बड़ा फ्लैग है, बहुत बड़ा फ्लैग है भाई, ये चेक करो बहुत ज्यादा बड़ा फ्लैग है, ये चेक करो, अगर मैं इसको पहनूंगा अभी ना तो भी बहुत बड़ा आ जाएगा, ये देख कर रहे, मैं अगर इसको पहन के भी जाऊंगा ना तो ये बहुत बड़ा है, ये चेक करो, ये चेक करो, लेकिन मैं इसको पहनूंगा नहीं, मैं इसका फ्लैग बनाऊंगा, लेकिन मैं सोचता हूँ इसका क्या करना है, अगर मैं इसको पहनूंगा ऐसे करके तो काफी ज्यादा हैवी हो जाएगा, लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ा जो है डंडा भी चाहिए, वो हम इसको बनाएंगे इंशाल्लाह कल बनाएंगे, लेकिन जो है फिलहाल जो है मैं आपको इसकी साइज दिखाना चाह रहा हूँ कि बहुत बड़ा साइज का है, और ये चेक करें ना बहुत बड़ी साइज का है फ्लैग, ये देखो कितनी बड़ी साइज का फ्लैग है गाइस, कितनी बड़ी साइज का भाई, मैंने जो है पता है क्या क्या लिया, आपको मैंने दिखाया तो था उस ब्लॉग में, फिर भी दिखाता हूँ, ये बैज भी लिया था मैंने और क्या था इसके अंदर, हाँ और इसके अंदर ये चीज़ें हैं भाई, ये डिस्पोजल है भाई, सिल्वर कलर का और ग्रीन कलर का, ये कहाँ पे लगाने हैं कैसे लगाने हैं ये मैं आपको 14 अगस्त वाले दिन ही बताऊंगा, क्योंकि मैं उस दिन पे जाऊंगा ना सेलिब्रेशन करने, हम लोग जाएंगे बाबा कौम की मज़ार पे जाएंगे, लेकिन वो 14 अगस्त को क्या प्लानिंग करनी है क्या होना है वो मैं आपको उसी ब्लॉग में दिखाऊंगा। बाकी जो है ये और हाँ ये चीज़ें भी मैंने ली हुई हैं भाई, ये चेक करें भाई, ये एक सिस्टर को भी दे देते हैं, सिस्टर एक आप भी ले लो, ये चेक करें, ये मैं थैंक यू, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, और ये मैं बगैर और भी चीज़ें मेरे पास अपनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं पहले वाली, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, फिलहाल जो है हम आज सारा दिन इसको बजाते रहेंगे, बहुत तेज है इसकी भाई, बहुत आवाज़ तेज है, लेकिन भाई सेलिब्रेशन तो करनी है ना हमें, तो भाई अभी जो है सोचना है कि क्या क्या करना है, तो अभी मैंने सारा सामान ये मुझे रखना है और बस देखते हैं आगे क्या करते हैं फिर। गाइस ये चेक करें कितना बड़ा फ्लैग है, मैंने अभी मम्मी को पकड़वाया है क्योंकि यार मैं इसको अकेला तो नहीं पकड़ पा रहा था, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैं अकेला इसको बिल्कुल भी नहीं बैलेंस कर पा रहा था, ये बहुत बड़ा फ्लैग है, देखिए मम्मा ये बहुत बड़ा है ना, लेकिन इसके लिए बहुत इसको हम कल बनाएंगे कि किस तरह बनाना है इसको, मैं तो पहन तो नहीं सकता इसको क्योंकि बहुत ज्यादा वो ढीला हो रहा था, इसके लिए बड़ा डंडा चाहिए और उसके लिए भाई वो कल करेंगे जब भी प्रिपरेशन होगी, फिलहाल आपको ये साइज दिखानी है भाई, ये चेक करो कितना बड़ा फ्लैग है यार, ये चेक करो, मजा आ गया, मजा आएगा 14 अगस्त को, बहुत ज्यादा मजा आएगा और आपका भाई फुल सेलिब्रेशन करेगा इस झंडे को लेकर, और कपड़े भी आपका भाई ग्रीन पहनेगा, मतलब पूरा ग्रीन और वाइट बन जाएगा क्योंकि भाई अपने मुल्क की आज़ादी का दिन है, तो वो आपका भाई फुल सेलिब्रेशन करके बनाएगा और आपको इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा, आप बड़ा पसंद करोगे। तो बस यार आपको मुझे फ्लैग वगैरह दिखा लिया, आपको भी मजा आ गया होगा और ये मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है कि मैंने इतना बड़ा फ्लैग ले लिया। तो गाइस फिलहाल मैंने इसको जो है फिलहाल तय लगा के रखना है आराम से, क्योंकि भाई हमारे प्यारे मुल्क का फ्लैग है, इसको हमने रिस्पेक्ट से रखना है, तो इसको मैं अभी जो है अलमारी में रख देता हूँ फिलहाल के लिए, तो आगे जो भी कुछ प्लानिंग्स होंगे मैं आपको बताता रहूँगा, इसका फ्लैग बनाना है या कुछ कुछ किसी पे लगाना है क्या करना है वो आपको इंशाल्लाह एक दो दिन में पता लग जाएगा। हाँ इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर खाली जगह पड़ी हुई है, तो ये भाई हमारा यहाँ पर पड़ा रहेगा, और जो है अपना सामान भी मैं सारा यहीं पर रख देता हूँ जो मैंने लिया है यहाँ ये वाला, तो
सामान भी सारा रख देता हूँ। हाँ सामान रख देता हूँ, लेकिन ये चीज जो है ना, ये चीज मैं नहीं रखूंगा इसको जब तक 14 अगस्त नहीं आ जाती ना, 14 अगस्त के बाद भी इसको मैं बजाता ही रहूंगा। मेरे कान फट गए, बजाने वाले की कान फट गए भाई साहब, बहुत तेज बज रहा है यार ये तो यार इसको ये जो है ना शुगर करने के लिए बड़ा, मैंने उससे पूछा था, आपने ब्लॉग में भी देखा होगा, मैंने उससे पूछा भाई इससे बड़ा और मिल सकता है, इसने बोला नहीं यार इससे बड़ा और नहीं है हमारे पास। तो बस यार मैंने बोला यार इसकी भी आवाज बहुत तेज है यार, बड़ी लेवल की आवाज आ रही है, और कान मेरा ये वाला कान जो है ना इसको लगता है पर्दा वर्दा हिल गया है, तो ये बड़ी शुगर करने के लिए, ये तो मैं अभी से शुगर कर लूंगा बाहर जाते ही। दूसरी वाली चीजें मैं आपको उसी दिन दिखाऊंगा, और भी मेरे पास पड़ी हुई है ऐसी ऐसी चीजें, वो मैं आपको 14 अगस्त को ही दिखाऊंगा जब करना है। तो फिलहाल के लिए अभी मुझे थोड़ी रेस्ट करनी है यार, मैं कब से लोग बनाते आ रहा हूँ, थक गया हूँ भाई। गाइस ऐसी चीजें लेने के बाद ना मैं इतना खुश हो जाता हूँ, अभी इतनी खुशी हो रही है कि मैंने लाइफ में पहली बार ये फ्लैग खरीदा है, और इससे पहले मैंने कभी भी ऐसी चीजें नहीं खरीदी, तो यार मुझे यकीन करो बड़ा लेवल हो गया, खुश हो रहा हूँ क्योंकि मुझे उस दिन का इंतजार है 14 अगस्त के दिन, यकीन करो अपने मुल्क की आजादी के लिए मैं इतना खुश होता हूँ, इतना खुश होता हूँ, और वो दिन मैं नहीं छोड़ता। हर 14 अगस्त पे आपका भाई जाता है बाबा कौम यानी कायदे आजम की मजार पे, वहां पे सेलिब्रेशन होती है, काफी मजा आता है, काफी रश होती है, और मैं तो भाई इतना एंजॉय करता हूँ ना क्या बताऊं मैं आपको। मैंने तो ब्लॉग दिए भी हुए हैं यूट्यूब पे, आपने शायद वो देखे हैं, नहीं देखे तो वैसे मैं जो है ना इस चीज को कभी भी मिस नहीं करता, और ना ही मैं आगे करूंगा, तो बड़ा मजा आया, और आप लोग आप सबको भी मैं एडवांस में जो है 14 अगस्त का दिन जो है वो मुबारक बोल रहा हूँ, यानी आप सबको मुबारक हो। 14 अगस्त अभी आया नहीं है, आज तो 10 अगस्त है, तो बस यार आज बड़ा मजा आ गया, मौसम में घुमा फिरा एंजॉय किया, और सब रिश्तेदार भी चले थे उनके साथ, थोड़ी बहुत चाय पी वहाँ पे, थोड़ा बहुत शुगर हो गया, तो मजा आ गया बहुत यार। वैसे वो लोग कहीं जा रहे थे घूमने फिरने, तो उन्होंने बोला आप हमारे साथ चलो, मैंने बोला नहीं भाई मुझे जो जिस काम के लिए मैं आया हूँ, जो चीज़ मुझे खरीदनी है, जो फ्लैग वगैरह जो मुझे बेजेस वगैरह खरीदने, तो मैं वो खरीद मैंने वहीं पे उनसे बोला कि आप लोग जाओ और मैं जो है ये सारी खरीदारी करूंगा, तो मैंने सारी वो खरीदारी कर ली। तो अब जो है आपका भाई बस यार अभी जो है मैं श्लोक को यहाँ पे कर देता हूँ एंड, अगर अभी तक आपने सोहेलज व्लॉग्स को एंजॉय नहीं किया तो कर लो लाइक एंड सब्सक्राइब, तो भाई इस व्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।